हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं मोहम्मद बिन नासिर और मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में जिस बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है कि पाकिस्तान ने शाहीन शाह अफरीदी की एशिया कप के लिए रिप्लेसमेंट अनाउंस किया, और दूसरा इंग्लैंड और पाकिस्तान 15 साल बाद टेस्ट सीरीज का शेड्यूल ऐलान हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कि जो पाकिस्तान ने शाहीन शाह अफरीदी की रिप्लेसमेंट अनाउंस की है एशिया कप के लिए, तो जो रिप्लेसमेंट अनाउंस किया पाकिस्तान ने शाहीन शाह अफरीदी के लिए, उसके बारे में काफ़ी स्पेकुलेशन हुई है कि क्या आमिर को बुलाया जाएगा, कि वहाब रियाज को बुलाया जाएगा या हसन अली को दोबारा टीम में शामिल किया जाएगा। लेकिन कल पीसीबी ने ऑफिशियली इन स्पेकुलेशन को एंड कर दिया और उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि किसको रखा जाएगा टीम में। तो पीसीबी ने जो ऐलान किया है जिसको शाहीन की इंजर्ड शाहीन की जगह एशिया कप में खिलाएंगे वो है मोहम्मद हसनैन। तो जो मोहम्मद हसनैन है वो अब शाहीन शाह अफरीदी को उसने ऑफिशियली रिप्लेस कर दिया एशिया कप के स्क्वाड में पाकिस्तान के। और हसनैन काफ़ी अच्छा बॉलर है, डोमेस्टिक भी खेलता रहा, पीएसएल में भी अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी, लीडिंग विकेट टेकर रह चुका है दो दफ़ा या एक दफ़ा ही गए क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, उसने टूर्नामेंट जीतने में भी हेल्प किया था, काफ़ी वाइटल रोल किया था। तो अच्छी रिप्लेसमेंट है, लेकिन अभी रिसेंटली इसका इशू हुआ था, आईसीसी ने इसके बॉलिंग एक्शन पर एतराज़ उठाया था और तो उसको रिफॉर्म करना पड़ा अपना बॉलिंग एक्शन, और उसने अभी दोबारा टेस्ट क्लियर किए हैं सारे अपने बॉलिंग एक्शन के। तो अब वो दोबारा आएगा इंशाल्लाह, अच्छा खेलेगा, जिस तरह की लोगों की शाहीन से उम्मीदें थी उसी तरह होपफुली ये खेलेगा मोहम्मद हसनैन आगे जाके। तो ये उम्मीद करते हैं अच्छा खेलेगा, और शाहीन का जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट है अपनी गेम में लाएगा बॉलिंग के थ्रू। तो ऑल द बेस्ट टू हिम एंड इंशाल्लाह ही विल परफॉर्म वेल। तो और दूसरी बात जो मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि इंग्लैंड टूर ऑफ पाकिस्तान 15 साल बाद जो है आ रही है इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान, उसका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल अनाउंस हो गया। तो तीन टेस्ट मैच सीरीज है, 1 दिसंबर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। 1 दिसंबर से रावलपिंडी में फर्स्ट टेस्ट मैच खेला जाएगा 1 to 5 दिसंबर, उसके बाद तीन डेज का गैप है, फिर उसके बाद सेकेंड टेस्ट मैच जो है वो मेरे शहर मुल्तान में खेला जाएगा 9 to 13 दिसंबर, और उसके बाद थर्ड टेस्ट मैच जो है वो है 18 to 23 दिसंबर नेशनल स्टेडियम कराची में। तो काफ़ी अच्छी खुशी की बात है ये पाकिस्तान के लिए। इंग्लैंड जैसी टीम अभी उन्होंने पहले सितंबर में अभी उन्होंने साल T20 खेलने आने हैं, और फिर वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे दोनों टीम, और उसके बाद वहाँ से फिर वर्ल्ड कप के बाद आएंगे टेस्ट सीरीज खेलने। तो अच्छी बात है, ऑस्ट्रेलिया के बाद अब ये इंग्लैंड की टीम जो सेकेंड बड़ी टीम है जो अभी तक आए बिग थ्री में से, तो ये सेकेंड टीम होगी जो आ रही है पाकिस्तान। इंशाल्लाह होपफुली एवरीथिंग विल गो स्मूथली, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह, और ये सक्सेसफुल टूर होगा इंशाल्लाह। और मुल्तान के लिए तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुल्तान में तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं पाँचों के पाँचों दिन जाऊँ टेस्ट मैच देखने, क्योंकि अभी रिसेंटली जो ODI सीरीज हुई है मुल्तान में वेस्ट इंडीज़ की, उसमें भी मैं 3 में से 2 मैच देखने गया, हालांकि मेरे CI ओ लेवल के पेपर चल रहे थे। जिस दिन अगले दिन मेरा पेपर था उससे उस दिन मैं मैच देखने गया। तो मुल्तान में ऑब्वियसली मैं बहुत शौक से जाऊंगा, और होपफुली इंशाल्लाह पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज जीतेगी, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, होपफुली इंग्लैंड भी अपनी फुल टीम सेंड करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है, पॉइंट्स हैं उसके, तो इंग्लैंड भी होपफुली फुल अपनी टीम भेजेगी पाकिस्तान, और इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, और होपफुली एवरीथिंग विल गो वेल स्मूथली। तो बस ये छोटी सी दो अपडेट थी, और हाँ जो तीसरी अपडेट देनी थी वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैज़ रीच दुबई फॉर द एशिया कप 2022। पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली जो था वो पाकिस्तान नीदरलैंड से कल ही वो दुबई पहुँची है, दुबई में वो एक हफ्ता स्टे करेंगे जिससे एशिया कप जब स्टार्ट होगा पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान ने जो है वो अपना पहला मैच इंडिया के खिलाफ खेलना है संडे को जो है 28th of August। तो उसके लिए सब लोग बेताब हैं, और यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्लिप भी डालने लगा हूँ यहाँ पे। तो
जो प्रीव्यू करेगा इंडिया और पाकिस्तान के मैच को, तो एंजॉय करें और ये देखें। आपने जैसी लाइन पढ़ी होगी, कैंसिल ऑल योर प्लान्स फॉर 20th अगस्त। यस, इट्स द मदर ऑफ ऑल क्लैशेस, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इट कांट गेट बिगर देन दिस। तो होपफुली पाकिस्तान ये मैच भी इंशाल्लाह जीतेगा, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। तो बस यही था इस व्लॉग के लिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, if you like this video please like, comment, share, subscribe and don't forget to press the bell icon। और मैं अपने Instagram account का link description में डाल दूंगा, तो उसे भी follow करें for the latest and quickest updates। तो मिलते हैं next vlog में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।